एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या है, क्या क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है भाई? आपका अमोनियम नाइट्रेट का। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक्स को उससे पहले हम समझ लेते हैं भाई, और उसके बाद देखेंगे कि हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, विच इज ए ए प्लस बी बी गिविंग सी सी एंड डी डी। तो इसके लिए जो हमने रेट लॉ बनाई थी वो क्या थी भैया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू सम पावर विच इज एक्स एंड वाई। दिस एक्स एंड वाई कैन बी इक्वल टू ए एंड बी एंड कैन नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड एक्स एंड वाई आर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑल्सो दिस रेट, अगर हम इस रेट में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो ये आएगा के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। बहुत बढ़िया। अगर मैं अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रेट दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है क्या हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा रेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड एज वेल एज प्रोडक्ट। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्टेंट यानी ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालना चाहूं तो रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा क्या, ए। रेट विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा भाई हमारा? ए क्या होगा हमारा? माइनस डी ए ओवर डी टी। विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा भाई हमारा? माइनस डी बी ओवर डी टी। एंड विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा हमारा? डी सी ओवर डी टी। और डी के रिस्पेक्ट में डी डी ओवर डी टी। ऐसा क्यों? यहां पे माइनस यहां पे पॉजिटिव क्यों? रेट नेगेटिव नहीं हो सकता और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी, और जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो उसका डीए ओवर डीटी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। उस कंप्लीट क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या साइन लगाया? नेगेटिव साइन लगाया है। पर ये रेट क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ए है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन ये तब बनेगा जब मैं इसमें ये स्टोइशोमेट्रिक कोफिशियंट को क्या करूंगा? इंट्रोड्यूस करूंगा। मान लो कि ये जो मैंने रिएक्शन ली है ये कौन सी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या फिर कहूं एलिमेंट्री रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में? क्या होगा? जो ये स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस वन बाय ए डी ए ओवर डी टी। बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय बी डी बी ओवर डी टी। ऐसे ही सी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा? प्लस वन बाय सी डी सी ओवर डी टी। और डी के रिस्पेक्ट में देखूं तो प्लस वन बाय डी 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 ओवर डी टी। ये क्या है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है जी? ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर मैं इसी चीज को रेट लॉ में इंट्रोड्यूस करूं, इसी चीज को मैं रेट लॉ में इंट्रोड्यूस करूं तो क्या बनेगा हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय ए वन बाय ए डी ए ओवर डी टी। और अगर मैं मान लू ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर चलो ना भी मानू मैं ये कोई मान लू कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा? रेज टू पावर ए एंड बी। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं मानता तो क्या आएगा? एक्स एंड वाई।
एक्स एंड वाई कैन बी एक्स इज एक्स कैन बी इक्वल टू ए एंड वाई कैन बी इक्वल टू बी। बहुत बढ़िया, यहां तक मामला जो है हमारा क्लियर है। तो अब हमने ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी हुई है, डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फिर इंटीग्रेटेड रेट लो। और हम उसमें जानेंगे कि कैसे आपका जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ वेरी करता है। तो चलिए आइए वन बाय वन हम सबको चेक करते हैं। बट उससे पहले एक चीज और मैटर करती है, वो क्या है भैया, जो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये डिपेंड करती है किस पे, आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमें पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा, हम तभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, सबसे पहले आता है हमारा, जी हां, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। कुछ ऐसी रिएक्शन जो इस ऑर्डर को फॉलो करती हैं, उसके लिए हम क्या निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं कोई एक जनरलाइज्ड रिएक्शन ले लेता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, यानी ए एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या, जीरो होगा, तभी तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा आपका, जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके लिए रेट की बात करूं तो रेट क्या हो जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। और आपको पता है रिएक्टेंट क्या है आपका, ए, ए की पावर क्या आ जाएगी भाई, जीरो। तो किसी की भी पावर जीरो होगी तो वो क्या हो जाएगा, वन। तो आपका रेट किसके बराबर आ जाएगा, के या फिर एक कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं इस इक्वेशन को, जस्ट अभी हम एक मिनट में करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आपकी इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी के टी इक्वल टू सी नोड माइनस सी टी, और सी टी इक्वल टू सी नोड माइनस के टी। सी टी जो कंसंट्रेशन है ये टाइम टी पे है, और ये सी ओ कंसंट्रेशन है जो वो इनिशियल टाइम पे है, इनिशियली जो भी आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। इसके केस में जो यूनिट ऑफ के आता है वो आता है सेम एज दैट ऑफ द रे, बिकॉज रेट किसके बराबर है, के बराबर है। तो के की यूनिट क्या होगी, रेट वाली यूनिट होगी, विच इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या होगी आपकी, के की यूनिट होगी। तो हम इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डेराइव करने की कोशिश करते हैं भैया, कि कैसे इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हमने सबसे पहले क्या माना था भाई, सबसे पहले क्या माना था, हमने लिया था ए, ए क्या दे रहा था आपको, पी। मान लो कि ये कैसी है, एलिमेंट्री मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स है, मैं मान रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं पता क्या है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा रेट, है ना। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट क्या आ जाएगा भाई, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। तो अगर पावर जीरो है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया आपका, जीरो। बहुत बढ़िया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया आपका, जीरो। मान लो एट टाइम टी पे, एट टाइम इनिशियली, एट जब स्टार्ट ही नहीं, आपने क्लॉक बटन दबाया ही नहीं, तब कंसंट्रेशन ए की क्या थी, ए थी, और पी की क्या थी, जीरो थी। प्रोडक्ट नहीं बना था जी, बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बना था, ए की कॉन्सेंट्रेशन ए थी। जब मैं थोड़े टाइम बाद, मान लिया कि टाइम क्या रहा टी, तब कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए माइनस एक्स, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, एक्स। तो अगर मैं रेट लिखूं तो रेट क्या होता है, माइनस डी ए ओवर डी टी, या फिर पी की बात करूं, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या, वन है, तो वन बाय वन आ जाएगा, यही आ जाएगा। पी में क्या आ जाएगा भाई, प्लस डी पी ओवर डी टी, बोलो हाँ ना।
एक ही कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे क्या है, ए माइनस एक्स, रख दो भाई, रख दो जी, रख दो, माइनस डी ए माइनस एक्स ओवर डी टी, यहाँ क्या आ जाएगा जी, डी एक्स ओवर डी टी। अगर इसको भी आप देखोगे तो एक क्या डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा वन, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, डी एक्स ओवर डी टी। ये तो आ गया आपका रेट। अब मैं अगर बात करूं इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो अगर मैं के मान लूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या है, जीरो। ए की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे क्या थी, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स की पावर क्या आ गई आपकी, जीरो। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं, तो ये क्या आ जाएगा भाई, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा भाई आपका। बोलो जी जल्दी बताओ जी, आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेन दूसरा ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं जी, है ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, जो एक्स है वो आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एक्स तक वेरी कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन आपकी जीरो से लेके एक्स जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं भैया आपका टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से टी जा रहा है, तो टाइम जीरो से टी जा रहा है, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, एक्स, और टी का इंटीग्रेशन, के कॉन्स्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, टी। टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से टी तक, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से एक्स तक, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू के। तो यानी कि एक्स क्या था, एक्स थी आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं। ये स्टार्टिंग वाली चीजें मैं मिटो रहा हूं, डेरिवेशन को अभी रख रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भैया, एक्स इज इक्वल टू के टी में ए से घटा रहा हूं, ए माइनस एक्स आ जाएगा, यहां भी ए से घटाना पड़ेगा, ए माइनस क्या आ जाएगा जी आपका, के और टी। बहुत बढ़िया, तो ए माइनस एक्स क्या था आपकी, फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट, आप देख लेना, तो इसको सी टी बोल देता हूं। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो इसको सी नोड बोल देता हूं। और ये क्या आ गया, माइनस के टी, के कॉन्स्टेंट है, टी आपका क्या है, टाइम है, तो टाइम के साथ आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ इस तरीके से क्या करेगी, वेरी करेगी। अब कहोगे आप प्रोडक्ट की कैसे वेरी कर रही है भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रही एक्स, किस टाइम पे, पी टी टाइम पे, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टी टाइम पे है, के है, टी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये आ गया आपका, तो ये क्या है आपकी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको आप दिमाग में रखिएगा, इस पे हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ, मान लो कि हम सी टी को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है जी, मान लो कि हम कंसंट्रेशन एट टाइम टी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर टाइम के साथ प्लॉट करूं तो क्या आ जाएगा भाई, इनिशियली कुछ रिएक्टेंट पड़ा हुआ था वो क्या था, सी नोट, और टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप हमें क्या बता रहा है, जो स्लोप है वो क्या है हमारा, माइनस ऑफ के। इनके बारे में हम जनरली बाद में बात करेंगे। तो ये क्या था हमारी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जनरली वो रिएक्शन फॉलो करेगी जिसमें आप कैटलिस्ट यूज करते हो, जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, निकल, पोलेडियम, निकल पोलेडियम और प्लैटिनम। क्या होता है कि जब आप उसमें मेटल कैटलिस्ट डालते हो पाउडर्ड फॉर्म में, तो उसके सरफेस एरिया पे आपकी जो गैसेस हैं वो आके क्या होने लगती हैं, एड्जॉर्ब होने लगती हैं। सबसे पहले आपका अल्कीन एड्जॉर्ब होता है, फिर आता है आपका एस्टो मोलिक्यूल, अल्कीन का सरफेस पे एस्टो मोलिक्यूल आता है, अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड बनता है, और वो बाद में किससे, H2 से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो मेटल जो है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन में हेल्प कर रहा है। पर ये जीरो ऑर्डर कैसे है भाई, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी, रिएक्शन का रेट ज्यादा होना चाहिए था, नहीं,
मेटल की साइड, मेटल जितना पड़ा है आपका अंदर, उसके सरफेस पे जितनी साइट है, सिर्फ उतने ही मॉलिक्यूल आपके एड्सॉर्ब हो सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपके रिएक्टेंट पड़ा है, वो आपका रिएक्शन में क्या कहते हैं, उस कन्वर्ट नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सिर्फ उतना ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा जितना मेटल के सरफेस पे क्या हुआ है, एड्सॉर्ब हुआ है, यानी कि जो भी मेटल कैटलिस्ट, मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं जितनी भी, जनरली जनरली वो किससे जाती हैं, जीरो ऑर्डर पाथ से जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी रिएक्शन है भैया, बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन यूजिंग मेटल कैटलिस्ट कौन सी भैया, निकल प्लेटिनम और पोलेडियम आप यूज करते हो। कौन कौन सा यूज करते हो जी आप, निकल प्लेटिनम और पोलेडियम। निकल यूज करते हो, प्लेटिनम यूज करते हो और पोलेडियम यूज करते हो। किसमें भाई, C2H2 को रिएक्ट कराते हो। C2H2 ले लो, C2H4 ले लो, इसमें निकल प्लेटिनम पोलेडियम रिएक्शन रुकेगी CH3CH3 पे जाके, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, आप क्या ले रहे हो, PH3 गैस ले रहे हो, सेम मेटल कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो PH3 गैस क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी। सिर्फ उतनी ही गैस डिसोशिएट होगी जितना आपके मेटल कैटलिस्ट पे साइट पड़ी थी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस पड़े थे, उतना ही PH3 एड्सॉर्ब होगा और उतना ही टूटेगा, फालतू वाला नहीं टूटेगा। तो मेटल कैटलिस्ट की साइट के रिस्पेक्ट में देखो तो ऑर्डर वन है, बट अगर PH3 के रिस्पेक्ट में देखो तो ऑर्डर क्या है, जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन ऑफ HI सेम H2 और I2 देगा, ये क्या है, जीरो ऑर्डर कैटलिस्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा। NH3 का डिसोसिएशन N2+3H2, जीरो ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या ले रखा है, आयरन एज अ कैटलिस्ट ले रखा है, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर ले रखा है, H2Cl2 गिविंग 2HCl, ये भी कैसा शो करेगा भैया, सेम मेथड सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 एज वेल एज Cu बोथ आर जीरो। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं जी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी ये, क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है इससे सवाल, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से। तो हम फिर से क्या ले रहे हैं, जनरलाइज्ड रिएक्शन ले रहे हैं, ए वी ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए इज़ वन, क्यों, चाहे तो उसको एलिमेंट्री मान लो चाहे उसको कॉम्प्लेक्स मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, वन है। तो अगर मैं जनरलाइज रिएक्शन ले रखी है, ए से क्या ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, ए की रिएक्शन है टी इक्वल टू जीरो पे ए मान रहा हूँ, बी की रिएक्शन, बी की कंसंट्रेशन टी इक्वल टू जीरो पे जीरो मान रहा हूँ, क्यों, मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियली बी पढ़ा हुआ नहीं था, एट टी इक्वल टू टी पे क्या आ जाएगा, ये ए माइनस एक्स, थोड़ा सा ए कंज्यूम होके क्या बना लेगा, बी बना लेगा। अगर मैं रेट लिखूँ ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा, माइनस डी ए माइनस एक्स ओवर डी टी, और बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी टी। ये रेट एट टाइम टी है भाई, रेट एट टाइम टी है, कंसंट्रेशन को तो डिफ्रेंशिएट करोगे, कंसंट्रेशन टी टाइम पे ये है ए की और ये क्या है, बी की है। अगर दोनों को ही देखूं, दोनों को ही डिफ्रेंशिएट, ए का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स का क्या हो जाएगा, वन, तो दोनों ही क्या आ जाएंगे, डी एक्स ओवर डी टी। वन तो नहीं होगा क्योंकि नीचे टी है, एक्स नहीं है, तो डी एक्स ओवर डी टी आएगा ये भी, और ये भी क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी टी। अब अगर इसका रेट कॉन्स्टेंट में क्या मान लूँ, के, तो के आ जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात करूँ एट टाइम टी, वो क्या है, ए माइनस एक्स, और ऑर्डर वन है तो पावर भी क्या आएगी, वन आएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये दोनों चीज़ सेम है भाई, किसी एक की भी रिस्पेक्ट में लेके चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, डी एक्स इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो ये क्या आ जाएगा, के डी टी, और डी एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, एक्स वाले अलग कर लिए, टी वाले अलग कर लिए, एक्स की कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जीरो से एक्स तक, और टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से टी तक। तो एक्स कहाँ से आ गया, जीरो से एक्स तक, टी कहाँ से आ गया, जीरो से टी तक, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, वन बाई ए माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एल एन एक्स, वन बाई एक्स का होता है एल एन एक्स, वन बाई ए माइनस एक्स का क्या होगा, एल एन ए माइनस एक्स, सिंस एक्स के आगे माइनस का साइन है तो डिफ्रेंसिएशन में ए माइनस एक्स, वो क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, जीरो से एक्स तक, एक्स तक, और डी टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट जीरो से टी लाई कर रही है तो टी माइनस जीरो गिव्स
तो ये क्या आ जाएगा के, अब इसमें पहले x की वैल्यू पुट कर दो फिर जीरो की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ऐसा कुछ आ जाएगा भाई। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखूं, एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या आ जाएगा जी, एल एन ए बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू के, ये आ जाएगी आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा आप और अलग तरीके से भी लिख सकते हो, अगर इसको मैं लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा कर दूं, इसको कंसंट्रेशन ले लूं, ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ए ई टू दी पावर माइनस के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, सेम एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, है ना। अब क्या करूंगा भाई, मैं पहले तो एल एन को हटाऊंगा तो ई टू दी पावर के टी चला जाएगा, ठीक है, फिर इसको अपोजिट करूंगा तो ई टू दी पावर माइनस के टी आ जाएगा, और ए को उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, ये आ जाएगी। बहुत बढ़िया, तो आपकी तीन इक्वेशन हो गई, एक हो गई आपकी ये वाली, एक हो गई आपकी ये वाली, और एक हो गई आपकी ये वाली। तीनों की तीनों आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं इससे ग्राफ प्लॉट करूंगा थोड़े ही देर के बाद, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहली आपकी इक्वेशन क्या आई, क्या था हमारा, क्या था जी, यही था ना, क्या था हमारा, एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी था। तो ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ए क्या हो गया हमारा सी नोट, ए माइनस एक्स क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज सी टी, तो सी नोट बाय सी टी। और अगर एल एन को मैं लिखूं लॉग की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग, तो 2.303 टी यहाँ से नीचे चला गया, और ये क्या आ गया, ऐसा सा कुछ आ गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस ए को क्या माना है सी नोट, और ए माइनस एक्स को क्या माना है सी टी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है, क्या आ रहा है भाई, दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है आपकी, ये वाली जो मैंने लिखी थी, क्या लिखी थी, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के टी, ए माइनस एक्स सी टी था, तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ई टू द पावर माइनस के टी। तीसरी इक्वेशन क्या आ रही है भाई आपकी, तीसरी इक्वेशन भी देख लो, अगर टाइम इंटरवल की बात करो, है ना, टाइम इंटरवल की बात करो, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए है और पी है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप क्या मान रहे हो भाई, ए मान रहे हो, ये जीरो मान रहे हो, ये माइनस एक्स मान रहे हो, ये एक्स मान रहे हो, ये माइनस ए वन मान लो, ये टू मान लो, ये एक्स टू मान लो, है ना, ये टी वन, ये टी टू, और ये जीरो टाइम पे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या आएगी, ये आएगी। बस इस कंसंट्रेशन को आपने क्या मान लिया, इस कंसंट्रेशन को सी वन और इस कंसंट्रेशन को सी टू, ए से ए जो है जब डिवाइड करोगे तो वो क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई आपकी इंटरवल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आपके कैलकुलेशन में काम आएगा जी, बहुत काम आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, इनको इन जो फॉर्मूलेस को है आप LBH कर लीजिए जी, LBH लर्न बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट इज डेरिवेशन, डेरिवेशन हम ऑलरेडी, नेक्स्ट इज डेरिवेशन, डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आप फॉर्मूलेज याद रखिएगा, क्या फॉर्मूलेज हैं भाई, एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, सेकेंड क्या है हमारा, सी टी इक्वल टू सी नोट ई टू दी पावर माइनस के टी, या फिर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस के टी, और एक आया आपका इंटरवल फॉर्मूला, के इक्वल टू 2.303 बाय टी टू माइनस टी वन लोग सी वन बाय सी टू, यानी कंसनट्रेशन एट टाइम टी वन डिवाइड बाय कंसनट्रेशन एट टाइम टी टू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या है, क्या क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है भाई, आपका अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन H2O और N2 में, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका रेडियो एक्टिव डीके, सारे के सारे रेडियो एक्टिव डीके जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, फिजन करते हैं, तो ये जनरली कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। सेकेंड आते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके कैसे होंगे जी आपके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है आपका,
एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है भाई। एटलीस्ट हाउ मेनी हाफ लाइफ शुड इलेप्स, एटलीस्ट हाउ मेनी हाफ लाइफ शुड इलेप्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट, एटलीस्ट हाउ मेनी हाफ लाइफ शुड इलेप्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट सो दैट द रिएक्शन इज एटलीस्ट 95% कंप्लीट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो आपकी 95% कंप्लीट हो रही है। भैया एडिटर क्या कर रहे हैं, समझ समझ लेते हैं जी, मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक रिएक्शन दे रखी है आपको, उसमें वो कह रहा है कि 95% कंप्लीट में कितनी हाफ लाइफ लग जानी चाहिए। ठीक है जी, 95% कंप्लीट होने के लिए कम से कम कितनी हाफ लाइफ लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया, तो कैसे निकालेंगे जी, या तो आप इससे फॉर्मूले से कर लो, है ना, या फिर आप क्या करो यूनिट दूसरे मेथड से कर लो। तो मैं आपको छोटा छोटा सा एक लॉजिक दे देता हूँ भाई, आपको एक क्या दे देता हूँ मैं लॉजिक दे देता हूँ कि ए जो है मान लो उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली क्या थी, ए थी, तो ए से ए बाय टू हो गया, तो हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ लग गई, टी हाफ, है ना, पहला ये पहला लग गया। ए बाय टू से कितना हो जाएगा फिर ए बाय फोर, हाफ लाइफ कितनी लग जाएगी दूसरी, ए बाय फोर से कितना कर दूं भाई ए बाय एट, हाफ लाइफ कितनी लग जाएगी जी आपकी तीसरी, है ना जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे 50% कंप्लीट हो गई थी, है ना, फिर से कितनी हो गई 75% कंप्लीट हो गई, क्योंकि 50 का 25 हो गया, है ना, अगर एक से स्टार्ट हुआ था तो 0.5 हो गया, 0.5 से स्टार्ट हुआ तो पॉइंट कितना हो गया भाई 2.5 रह गया, ऐसा ही तो है, 0.25 से स्टार्ट हुआ तो कितना रह जाएगा 0.125, तो ये कितना रह गया भाई आपका 87% कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, 0.125 से कितना हो जाएगा 0.0625, तो कितना हो गया भाई आपकी चौथी हाफ लाइफ पूरी हो गई, और अब कितना हो जाएगा 0.625 से कितना रह जाएगा आपका 95% क्रॉस हो जाएगा, ये 94% तो यहीं पे आ गया, तो अगले पे कितना हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो टोटल कितनी हाफ लाइफ लगी आपको 5 हाफ लाइफ लगी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। दूसरा और कैसे कर सकते हैं जी, दूसरा आप हमें बताएंगे कि और कैसे किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।